हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद फार्मेसी। आज हम एक नई ड्रग के बारे में बात करेंगे, मेटफॉर्मिन। ये इसका जेनरिक नेम है और हमारा जो इसका ट्रेड नेम होता है वो होता है ग्लाइकोमेट। मैंने दो एग्जांपल लिए, एक मेटफॉर्मिन SR 1000 mg और एक हमने ले रखा है ग्लाइकोमेट 500 SR। इसमें कुछ नहीं है, बस ये mg का फ़र्क है। ये 1000 mg की ड्रग है और ये 500 mg की ड्रग है। जो हमारी मेटफॉर्मिन होती है ये एंटी डायबिटिक एजेंट होती है। ये एक तरह से हम यूज करते हैं टू ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज़ मलाइटस। ये क्या करती है, ये हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मतलब कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो भी पेशेंट सफ़र करता है हाइपरग्लाइसेमिया। अब नॉर्मली क्या होता है, जो हमारी जो ये डायबिटीज़ जो एक डिजीज़ है, ये एक तरह से क्रोनिक डिजीज़ होती है। मतलब इसका जो हम ये जड़ से नहीं जाती है, इसका हम बस ट्रीटमेंट कर सकते हैं वैसे नहीं। तो अब ये हमारी जो डायबिटीज़ होती है नॉर्मली, ये अगर कैसे होती है पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो हम जैसे कि नॉर्मली जो डाइट लेती है, जैसे हम वो कौन सी फॉर्म में लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोज की फॉर्म में लेते हैं। वो हमारा एब्जॉर्ब होता है GIT में और फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है ब्लड में एज अ ग्लूकोज की फॉर्म में। फिर वहाँ से वो अपटेक होता है हमारी सेल्स में, जो कि क्या करता है, हमारी सेल्स को प्रोटीन और एनर्जी प्रोवाइड करता है और फिर वहाँ से ग्लाइकोलाइसिस होकर ATP की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या होता है, हमारा जो नॉर्मल ये जो ये हमारी डायबिटीज़ होती है, ये दो टाइप की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। जो हमारी टाइप 1 डायबिटीज़ होती है ये क्या होते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। और जो हमारी टाइप 2 होती है ये होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, तो अब क्या होता है, हमारा जो हमारी टाइप 1 टाइप 2 दोनों ही क्या होती है, एक तरह से क्रोनिक कंडीशन होती है। टाइप 1 में क्या होता है, ये हमारे इसमें क्रोनिक कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारा पैनक्रियाज होता है वो हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। इसमें ये लो और मतलब बहुत ही कम अमाउंट में पैनक्रियाज मतलब हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। फिर क्या होता है,